शादी विवाह समारोह में ज्वेलरी से भरे बैग पार करने वाले एक गिरोह को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अरावली विहार पुलिस ने इस गैंग को पकड़ने में एमपी तक करीब 2800 किलोमीटर तक उनका पीछा कर दो बाल अपचारियों व एक महिला से 5 को गिरफ्तार किया है। साथ ही 26 नवंबर को एक शादी से पार किया ज्वेलरी का और नकदी से भरा बैग भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अलवर शहर में अरावली विहार थाना अंतर्गत 26 नवंबर को कटी घाटी स्थित एक मैरिज गार्डन में चल रहे एक शादी समारोह में करीब 7 लाख रुपए के जेवरात और 40,000 की नकदी से भरा बैग पार हो गया था। इस संदर्भ में कर्मचारी कॉलोनी निवासी राजेंद्र शर्मा ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया था, जिस पर एसपी तेजस्वी गौतम ने तत्परता दिखाते हुए अरावली विहार थाना अधिकारी जहीर अब्बास के नेतृत्व में टीम का गठन कर साइक्लोन व डीएसपी टीम को शामिल किया। टीम ने मैरिज गार्डन में मिले सीसीटीवी फुटेज व घटना के समय उस क्षेत्र में आए मोबाइल टावर के संदिग्ध नंबरों को तलाशा। इससे ज्ञात हुआ कि इस वारदात को मध्य प्रदेश के सांसी गैंग ने अंजाम दिया है। संदिग्ध नंबरों को जब तलाशा गया तो उनकी लोकेशन आगरा की तरफ मिली। एसएचओ जहीर अब्बास अपनी टीम के साथ आरोपियों के पीछे निकल पड़े। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि सांसी गैंग का मूवमेंट मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से होते हुए छतरपुर की तरफ निकला है, लेकिन शातिर अपराधी बार बार अपना मोबाइल भी बंद कर लेते थे, जिससे उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस के पास मोबाइल लोकेशन थी, लेकिन किस वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं यह भी पता लगाना मुश्किल था। आखिरकार लगातार पीछा करते करते एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार को चिन्हित किया गया। आरोपियों का पीछा करते करते पुलिस ने मध्य प्रदेश के सतना से लेकर ग्वालियर, धौलपुर और भरतपुर तक संदिग्ध कार को तलाशा, लेकिन फिर लोकेशन में कार का ग्वालियर होना पाया गया। आखिर टीम वापिस ग्वालियर पहुंची, लेकिन आरोपी यहां से भी फरार हो चुके थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी, फिर लोकेशन के आधार पर आरोपियों के पीछे निकल पड़े और उन्हें इलाहाबाद से कानपुर जाने वाले हाईवे पर दबोच लिया गया। एसपी तेजस्वी गौतम ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि यह गैंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सांसी कड़िया की गैंग है, जो गांव व रिश्तेदारों के बच्चों व महिलाओं को लालच देकर गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं और जहां बड़ी शादी नजर आती है वहां ये लोग गाड़ी को बाहर खड़ा कर देते हैं और अंदर महिलाओं और बच्चों को भेजकर वारदात किया करते हैं। चोरी करने के बाद ये लोग बाहर खड़ी गाड़ी से दूसरे शहर में निकल जाते हैं। यह गैंग राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई जिलों में सक्रिय रही है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है, जिससे अभी और भी कई वारदात खुलने की संभावना है। पकड़े गए आरोपियों में दो बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है, साथ ही एक महिला शिमला पत्नी अजा सिंह जाति सांसी उम्र करीब 40 वर्ष, साथ ही आरोपी कालू सिंह पुत्र कमल सिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष व राजेश पुत्र चंदू उम्र 33 वर्ष है। ये सभी आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के थाना बोडा हुलखेड़ी गांव के निवासी हैं। इस पूरे मामले में एसपी ने एसएचओ जहीर अब्बास सहित पूरी टीम की सराहना की है। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी सफात खान व एसएचओ जहीर अब्बास भी मौजूद रहे। देखिए, शादियों का सीजन आते ही ये मैरिज होम से पैसे और कीमती सामान पार होने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो विगत कुछ दिनों में अलवर में भी ये घटनाएं कुछ बढ़ी हैं और अरावली विहार थाने में थानाधिकारी जहीर अब्बास की मेहनत से और उनके निर्देशन में उनकी टीम ने एक बहुत ही बढ़िया कार्रवाई करते हुए लगभग 2800 किलोमीटर की एक दौड़ एक पीछा करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें तीन तो इनके मेन मुख्य लोग हैं और दो बाल अपचारियों को ये लोग अपने साथ रखते थे। एमपी की गैंग है, राजगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं ये लोग और इनका मुख्य तरीका वारदात ये रहता था कि ये अपनी गाड़ी में शादियों के टाइम पे घूमते थे और जहाँ पे भी इनको गाड़ी दिखती थी तो वहाँ पे दो बच्चों को, जिनको या तो इन्होंने हायर किया होता था या इनके खुद के परिवार के रिश्तेदारों में बच्चे होते थे, इन बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाकर मैरिज होम में छोड़ देते थे। उन बच्चों का सिर्फ इतना ही काम होता था कि वो देखते थे कहीं किसी की नज़र हटी और उन लोगों ने बैग लेके वो पार हो जाते थे। गाड़ी आसपास ही रखते थे, जैसे ही वो बच्चे मैरिज होम से निकलते तुरंत बैठते थे और ये लोग वहाँ से रवाना हो जाते थे। इनका यही रहता था कि 3-4 ज़िलों में, जैसे एमपी, राजस्थान और यूपी, संभवतः इन 3 स्टेट्स में ये लोग ये काम करते थे और आगे भी पूरे सीज़न में ये लोग इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देते। लेकिन हमारे अथक प्रयासों से अरावली विहार थाना अधिकारी और उनकी टीम ने इनको धर दबोचा। 2800 किलोमीटर की लंबी चेज के बाद इनका पीछा करते हुए इनको जैसे भी हम लोग ट्रेस आउट कर सकते थे। हमारे कटी घाटी में एक पैराडाइज गार्डन है, जिसमें 26 तारीख को इन लोगों ने हमारे अलवर ज़िले की वारदात की थी, जिसमें 100% माल की रिकवरी हुई है, लगभग रिकवरी हुई है।
लगभग 7 लाख रुपए का कैश और माल टोटल था, उसकी रिकवरी हुई है और हमने इनका पीसी लिया है। और अब और भी इससे वारदातें हो सकता है खुलें। 2 एमपी की वारदातें इन्होंने और बताई हैं, एक शिवपुरी की 30,000 की लूट है और एक उरई कस्बे की 2 लाख रुपए से भरा बैग इन्होंने शादी के ही इसमें पार किया था। तो इस तरीके की गैंग आगे भी हमारे यहाँ पे सक्रिय हो सकती थी, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल ही रहा है और आगे भी आने वाला है, तो उसके लिए एक प्रिवेंटिव भी हो गया। और जो हमारे ज़िले की जो घटना हुई थी उसका एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिसके लिए टीम को उचित माध्यम से सीनियर अधिकारियों से, मेरे द्वारा तो किया ही जाएगा रिवॉर्ड और सीनियर अधिकारियों द्वारा भी मैं रिवॉर्ड कराऊंगा।